स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधा तो बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो जय राधा मां जय राधा माधव कुंज यमुना तीर वन जा
यमुना तीरवन जाने Amen.
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 29 कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण कृष्ण महायोगी, त्वमाद्य पुरुष पर
व्यक्त्या व्यक्तमिदं विश्वम् व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्रह्मणा विदु रूपं ते ब्रह्मणा विदु कृष्ण कृष्ण महायोगी कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुष पर त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्त्या व्यक्तमिदं विश्वं व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां त्वमेकः सर्वभूतानां देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् त्वमेव कालो विष्णुर्व्ययईश्वरः विष्णुर्व्ययईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्रविकारवि सर्वक्षेत्रविकारवि गुह्यमाणेस्त्वमग्राह्यो विकारे प्राकृते गुणे विकारे प्राकृते गुणे कौन विहारहति विज्ञातुम् कौन विहारहति विज्ञातुम् प्राक सिद्धं गुणसमृतः प्राक सिद्धं गुणसमृतः प्राक सिद्धं गुणसमृतः प्राक सिद्धं गुणसमृतः तस्मै तुभ्यं भगवते तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणे छन्न आत्मद्योतगुणे सन्न महिम्ने ब्राह्मणे नमः महिम्ने ब्राह्मणे नमः यस्यावतार ज्ञायन्ते यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेश्व शरीरिणः शरीरेश्व शरीरिणः तेस्तेर्तुल्यातिशये तेस्तेर्तुल्यातिशये वीर्ये देहेश्व संगते वीर्ये देहेश्व संगते स भवान् सर्वलोकस्य स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन अवतीर्णोऽंश भागेन सम्प्रतं पतिराशिषां सम्प्रतं परिशाशिता नमः परमकल्याण नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल नमः परममङ्गल वासुदेवाय शन्ताय वासुदेवाय शङ्काय यदूनां पतये नमः यदूनां पतये नमः।
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतिम दिवसीय अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित लगातार 7 दिन से हम भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर और सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों की छत्र छाया में उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला भागवत दशम स्कंद की कथा वक्त देवर्षि नारद जी के वचन को सत्य करते हुए 36,000 वर्षों से जिस वृक्ष में बंधे हुए थे ऐसे बंधे हुए दो पुरुषों को बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। महारानी कुंती कहती हैं, पहचानने वाला भी पहचान नहीं सकता है। माया जवनी काच्छन्नम ज्ञाधोक्ष जम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कोई कलाकार बहुत सुंदर नया वस्त्र धारण करके रंग मंच पर आता है, कभी कभी दर्शक पहचानने वाले भी उस कलाकार को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को रंगमंच बना कर आते हैं, ऐसी लीला करते हैं पहचानने वाले भी धोखा खा जाते हैं। विचार कीजिए, जो भगवान स्वयं बंधे हुए हैं, स्वयं भगवान को रस्सी का बंधन लगा है, दाम का बंधन लगा है, परंतु कितनी आश्चर्य की बात है, बंधे हुए भगवान दो लोगों को मुक्त करने के लिए सोच रहे हैं। यही है भगवान की महानता, भगवत्ता। स्वयं बंधे हुए हैं परंतु बंधे हुए होकर भी यमलार्जुन को मुक्त कर दिए, उद्धार कर दिए। गत सत्र में आपने सुना किस प्रकार से भगवान के द्वारा वो उखल खींचा गया। आचार्य लिखते हैं कि निश्चित ये भगवान ही हो सकते हैं, यह कार्य भगवान ही संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो विचार कीजिए, 36,000 वर्ष से जो वृक्ष लगे हुए हैं, इतने विशाल वट वृक्ष, उस वृक्ष में कोई उखल फंस जाए और उखल के साथ एक रस्सी बंधी है, उस रस्सी को यदि खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, उखल टूट जाएगा, परंतु वह वृक्ष नहीं गिरेंगे। परंतु उस रस्सी और उखल के माध्यम से भगवान ने वृक्ष गिरा दिए। निश्चित ये कार्य भगवान का ही हो सकता है, अन्यथा ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकते हैं। तो भगवान ने जैसे उस वृक्ष को गिराया, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे वृक्ष में अग्नि होती है परंतु 24 घंटा प्रकट नहीं होती है, इस वृक्ष के अंदर अग्नि के रूप में ये दोनों बंधे हुए थे। जैसे ये वृक्ष गिरे, अग्नि की तरह ये दोनों प्रज्वलित होकर, प्रकाशमान होकर उस वृक्ष की जड़ से प्रकट हो गए, दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नल कुबेर और मणिग्रीव आज दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और सामने भगवान खड़े हैं।
इस संसार में जिन जिन भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान का दर्शन हुआ है, तो भगवान का दर्शन होते ही उस भक्त ने भगवान को स्तुति करने की इच्छा की है। फिर चाहे ध्रुव हो, ब्रह्मा जी हो, प्रहलाद हो या देवी कुंती हो, भगवान को देखते ही भगवान के प्रति स्तुति उत्पन्न हो जाती है। नल कुबेर और मणिग्रीव 10 श्लोकों की स्तुति के द्वारा भगवान को स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव के मुख से निकल गया, इस स्थिति में खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने ये दोनों खड़े हैं और उनके मुख से सर्वप्रथम शब्द निकला कृष्ण कृष्ण महायोगी। श्लोक में देख सकते हैं 2 बार उनके मुख से कृष्ण निकल गया। अब किसी भी स्तुति में, किसी भी श्लोक में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होना ये श्लोक का या ये किसी पाठ का दोष माना जाता है। आचार्यों ने बहुत सुंदर मंतव्य दिया कि इन नल कुबेर और मणिग्रीव के द्वारा 2 बार कृष्ण शब्द क्यों निकला। शास्त्र में कहीं भी एक ही श्लोक में एक ही जगह एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसका अर्थ है अनंत बार, अनेकों बार। श्री सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी नामक टीका में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मधुर है, अति मधुर। हजारों हजारों वर्षों से अनेकों लोग कृष्ण का नाम लेते आए हैं, रात दिन कृष्ण का नाम जपते आए हैं, लेकिन आज तक यह नाम न तो पुराना हुआ न तो इसकी महिमा कम हुई, उल्टे यह नाम बढ़ता गया, क्योंकि भगवान का नाम मधुराति मधुर है। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने तो गा ही दिया ना, अधरम मधुरम, अधरम मधुरम चरी तम मधुरम, बहुत सुंदर कहते हैं। एक एक अंग को गिना गिना कर वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान के अधर मधुर है, मुख मधुर है, भगवान का नाम मधुर है, गुण मधुर है, लीला मधुर है, क्या बताए, उस मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुर। और इसी बात को बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ में लिखते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम 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 मधुरम। उस मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। कृष्ण का नाम बहुत मधुर और प्रिय होने के कारण इनके मुख से 2 बार कृष्ण कृष्ण निकल गया, अथवा अनंत बार अनेकों बार कृष्ण 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 निकल गया। सनातन गोस्वामी दूसरा भाव देते हैं, कृष्ण का एक अर्थ है कर्षण करना, खींच लेना। जो अपने नाम से अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहा जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों वृक्षों को आकर्षित करके इन दोनों का उद्धार कर दिया, अतः इन दोनों को भगवान का नाम बहुत प्रिय लग रहा है। अथवा भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण आदर देने के लिए कृष्ण का नाम 2 बार ले रहे हैं। मानो आपको किसी का फोन आए तो यदि कोई महान व्यक्ति है और हम उसको आदर करते हैं तो जैसे ही रिंग बजती है उठाते हैं, हम कहते हैं हेलो बोलो बोलो, एक ही शब्द 2 बार। ये कभी होता है स्वाभाविक जीवन में,
एक ही शब्द दो बार निकल जाता है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, इसका अर्थ क्या है? हम बहुत उत्सुक हैं, उनको आदर दे रहे हैं, वो महान है और हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, ये भाव प्रकट होता है। ठीक इसी भाव में नल कुबेर और मणिग्रीव के मुख से दो बार कृष्ण नाम निकल गया। कृष्ण का अर्थ होता है कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तयेर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृष्ण शब्द में दो अक्षर है, कृषि और अण। उपनिषद में कहा गया है कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना, हम कहते हैं कृषि उद्योग। कृषि अर्थात उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे निरंतर 24 घंटा आनंद ही उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण अर्थात आनंद के निधान। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र आनंद के सिंधु है, आनंद के सागर है। अतः हमें हमारे जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो जो पूर्ण रूप से आनंदित हैं उनकी शरण में जाना चाहिए। कई बार हम लोग दुखी होते हैं और हमारा दुख दूर करने के लिए संसार के किसी व्यक्ति की शरण में जाते हैं, परंतु भक्तों इस संसार में सब लोग दुखी हैं, कौन सुखी कर पाएगा। एक कवि ने बहुत सुंदर गाया है इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा। मानो जीवन जीते हुए हमारे हृदय में कभी दुख आ गए, आंखों में आंसू आ गए, तो हमारी आंखों के आंसू लेकर हम किसके पास जाएंगे? इस संसार में जिस किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे उनकी आंखों में भी आंसू है, उनका दामन भी भीगा हुआ है, कौन हमारे आंसुओं को पोछ सकता है? इस जगत में हमारे आंसुओं को पोछने वाला कोई व्यक्ति है तो है एकमात्र कृष्ण। एकमात्र कृष्ण हमारे दर्द को, आंसुओं को, दुख को दूर कर सकता है, क्योंकि कृष्ण ही पूर्ण आनंदमय है, परम सुख देने वाले हैं। अतः जीवन में कभी दुख आए तो अन्य किसी की शरण में न जाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, निश्चित भगवान हमें मदद करेंगे, सुख प्रदान करेंगे। और भगवान तो भगवत गीता में बुलाते हैं आइए आइए, चतुर्विधा भजन्ते माम। खास प्रकार के चार प्रकार के लोग आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आप दुखी हो कोई बात नहीं, मेरे शरण में आ जाओ, अहम त्वाम, मैं आपको सुखी कर दूंगा। ज्ञान चाहिए मेरी शरण में आओ, धन चाहिए मेरे पास आओ। अतः भगवान श्री कृष्ण आनंद के निदान है, और यदि आनंदित होना है, सुखी होना है, तो कृष्ण के शरणों में जाना चाहिए। आज हम इस कथा के अंतिम सत्र में है, के बाद कुछ दिनों के बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे, परंतु भक्तों कथा का सार यही है कि जीवन में जब दुख आए तो अन्य किसी को याद न करके कृष्ण को याद करनी चाहिए, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी, मानो भगवान श्री कृष्ण कहे आप मुझे इस प्रकार से हाथ क्यों जोड़ रहे हो, आप इतने बड़े देवता हो, दोनों हाथ जोड़ रहे हो, मैं तो एक साधारण ग्वाला हूं, मैं तो एक तुच्छ बालक हूं, आप मुझे क्यों हाथ जोड़ रहे हो? तब नल कुबेर और मणिग्रीव कहते हैं आप साधारण बालक नहीं, आप तो योगियों के भी बाप हो, महायोगी हो। कृष्ण कृष्ण महायोगी, इस संसार में जो साधारण योगी हैं ये समस्त योगी आपके तख्त को चूमते हैं। यहां पर वो योगा करने वाले की तो बात ही नहीं है,
योगा वाले तो ठीक अपना शरीर ठीक रखने के लिए करते हैं, जो बड़े बड़े अष्टांग योगी हैं उन बड़े बड़े योगियों के भी आराध्य एकमात्र आप हो, क्योंकि संसार के योगी अष्टांग योग के द्वारा छोटे मोटे चमत्कार करते हैं, परंतु आपके चमत्कारनिक की तुलना में कौन आ सकता है। आप परम चमत्कारी हो, महायोगी हो। इस संसार के योगी छोटे छोटे चमत्कार दिखाते हैं और संसार के लोगों को आकृष्ट करते हैं, परंतु संसार के लोग आपके महायोग को क्या जाने। अरे आप इतने बड़े योगी हो कि अपनी इच्छा शक्ति मात्र से इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हो। आपकी इच्छा मात्र से यह ब्रह्मांड चलता है और आपकी इच्छा से इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है। अतः आप महायोगी हो। श्रीपाद वल्लभाचार्य एक बहुत गहरा भाव दे रहे हैं, आप महायोगी हो यह कहने का भाव है। आपकी यह आकृति मतलब आप छोटे से बाल गोपाल के स्वरूप में हो, तो आपकी यह आकृति आपका यह शरीर साधारण मनुष्य जैसा है, परंतु आप भले साधारण मनुष्य बालक जैसे दिखते हो परंतु हमें भ्रम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इस संसार के साधारण योगी अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने से हीन भाव को, परंतु आप तो महान हो। महान व्यक्ति सदैव महान रहता है। कौवा यदि शिखर पर बैठ जाए, किसी पर्वत की टोच पर बैठ जाए, परंतु कौवा कौवा ही रहता है, और गरुड़ यदि पृथ्वी पर जमीन पर आ जाए गरुड़ गरुड़ रहता है। आकाश में स्वच्छंद गति से विचरण करने वाला गरुड़ यदि जल में जाकर भी बैठ जाए तो गरुड़ गरुड़ है। ठीक उसी प्रकार पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान कैसा भी रूप धारण कर ले, कुछ भी कर ले, सुकर गुकर भी बन जाए, परंतु भगवान आखिर भगवान है। अतः महायोगी शब्द कह रहे हैं। तब मानो भगवान से कृष्ण कहे, अरे मुझ में कहां ऐश्वर्य है, मुझ में कहां शक्ति है। मुझ में यदि शक्ति होती, मैं यदि महायोगी होता तो यशोदा के बंधन से मुक्त ना हो जाता, अभी भी बंधा हुआ हूं। अद्भुत स्तुति है भक्तों, कृष्ण बंधे हुए हैं और ये दोनों स्तुति कर रहे हैं। बोले यदि मैं योगी होता तो सबसे पहले इस रस्सी के बंधन को छोड़ देता। मैं कोई योगी नहीं, मैं तो साधारण बालक हूं, आप लोग मुझे योगी मत कहें। तब नल कुबेर मणिग्रह कहते हैं, प्रभु आप दिखने में बालक हो, आप दिखने में बालक हो, परंतु तत्व से देखा जाए तो आप सबके बाप हो। तुम आद्य, प्रभु आप सबके आदि हो। कृष्ण कृष्ण महायोगी तुम आद्य पुरुषः पर। आद्य का अर्थ होता है आदि, तुम माने आप सबके आदि हो। भक्तों इस संसार में जो सबके आदि हैं वही भगवान हो सकते हैं। और नल कुबेर मणिग्रह ये प्रस्तुत कर रहे हैं, संसार में सबके आदि यदि कोई है तो वो है कृष्ण। ये केवल इन्होंने ही नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा आद्यम पुराण पुरुष, और देवी कुंती ने भी कहा नमस्ये पुरुषम तु आद्यम। जितने जितने लोग भगवान को जानते हैं वे सब भगवान को आदि कहते हैं। आदि का अर्थ होता है सबके कारण, सर्व कारण का। यदि हमें पूछा जाए हमारा आदि कौन है, हमारा आदि हमारे पिताजी। अच्छा उसका आदि कौन है, उसके पिताजी। उसका आदि कौन है, उसके पिताजी। उसका आदि उसके पिताजी। एक करते 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 जहां एंड आ जाता है उसे आदि कहा जाता है, आद्यम। इस संसार में सबके आदि यदि कोई है तो वो आप हो, तुम आद्यम। आप आदि हो और आदि होने के कारण आप परम पुरुष हो, क्योंकि पुरुष ही किसी का आदि हो सकता है, स्त्री तो अधीन रहती है। अतः पुरुषः पर, आप परम पुरुष हो।
पुरुष के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पुरुष का एक अर्थ है पुरुषावतार। भगवान श्री कृष्ण ने तीन पुरुषावतार लिए, गर्भोदकशायी विष्णु, कारणोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु। ये तीन पुरुषावतार हैं। बोले आप इन पुरुषावतार से भी श्रेष्ठ हो, परे हो। पुरुषः पर, इन तीनों विष्णु से भी श्रेष्ठ हो, अर्थात ये तीनों विष्णु भी आपसे प्रकट हुए हैं। पुरुषः पर, और पुरुष पर का दूसरा अर्थ होता है इस संसार में समस्त पुरुषों से आप सुंदर हो, अर्थात पुरुषोत्तम हो। इस वर्ष में पुरुषोत्तम महीना आने वाला है। पुरुषोत्तम का अर्थ ही होता है जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। पुरुष माने इस संसार के साधारण पुरुषों से श्रेष्ठ हैं, अथवा ये तीन पुरुष अवतार हैं उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो हे प्रभु, आप पुरुषोत्तम हो, आप परम पुरुष हो। पुरुष का एक अर्थ होता है परमात्मा, आप ही परमात्मा हो। पुरुष का अर्थ परमात्मा कैसे होता है? कहते हैं पूरी में जो शयन करे उसे पुरुष कहा जाता है। पूरी का अर्थ हमारा यह शरीर भी एक क्षेत्र है, भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ये शरीर भी एक पूरी है, इस शरीर में जो शयन करे, जो रहता है परमात्मा के रूप में, अतः उसे पुरुष कहा जाता है। अथवा यदि वर्तमान काल के अर्थ में लिया जाए तो पूरी माने जगन्नाथपुरी में जो शयन करते हैं, अर्थात जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं, ऐसे भगवान को पुरुष कहा जाता है। तो हे प्रभु, आप ही आदि हो, आप ही परम पुरुष हो, और आप ही व्यक्त अव्यक्त इदम विश्वम। बहुत गहरी बात, बहुत तात्विक स्तुति है यह। हालांकि स्तुति को समझने के लिए 7 दिन चाहिए, हमारे पास केवल 1 घंटा है। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर घंटों भर व्याख्या हो सकती है। कहते हैं व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम। इदम, इदम माने ये जो विश्व हमें दिख रहा है, ये विश्व उस भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। हे प्रभु, ये विश्व आपका ही स्वरूप है। इस विश्व में व्यक्त और अव्यक्त जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही है, व्यक्त का अर्थ होता है स्थूल वस्तु जो आंखों से देख सकते हैं, ऐसी वस्तु जो आंखों से देख सकते हैं, और इस विश्व में ऐसी भी वस्तुएं हैं जो होते हुए भी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उसे अव्यक्त कहा जाता है। बोले इदम विश्वम, इस संसार में व्यक्त अव्यक्त जितनी भी वस्तु है ते रूपम, ये आपका ही स्वरूप है। अर्थात आप ही इस विश्व के रूप में कन्वर्ट हुए हो। आप जब आपको यह संसार का निर्माण करना था तो आपने अपने शरीर को ही इस विश्व के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और भागवत में वर्णन भी है विराट पुरुष का, वर्णन करते हुए किस प्रकार से भगवान विराट पुरुष इस विश्व के रूप में कन्वर्ट हुए। भागवत के 2 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इस बात को बताते हैं। इस विश्व में भगवान के बाल आकाश हैं और आंखें सूर्य और चंद्रमा है, इस प्रकार से अनेकों वस्तु का वर्णन करते हैं। भगवान के रोंगटे इस विश्व के वृक्ष है, ये वर्णन करते हैं। ये विश्व ही, भगवान ही विश्व के रूप में बने, इसलिए तो गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, सिया राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। क्या कहते हैं? सिया राममयी सब जग जानी,
ये पूरा जगत जो है भगवतमय जानिए, क्योंकि ये जगत भगवान ही इस जगत के रूप में बने हैं। और बस इस जगत को जो भगवान के रूप में देखता है वही इस संसार का सबसे बड़ा महात्मा है, सबसे बड़ा भक्त वह है जो इस जगत को देखकर भगवान को याद करता है। भागवत में कहा गया सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः। जगत की किसी भी वस्तु को देखकर भगवान की याद आ जाए तब समझ लेना चाहिए हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति आ गई। तो यह सारा जगत भगवान के रूप में भगवान से ही कन्वर्ट हुआ है। यह व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम, परंतु हे प्रभु हे कृष्ण, इस आपकी लीला को आपके चरित्र को आपके गुण को आपके इस पराक्रम को सब लोग नहीं जानते हैं। आपके इस प्रभाव को रूपम ते ब्राह्मणा विदु, बड़े बड़े ब्राह्मण ही आपके इस स्वरूप को आपके पराक्रम को आपकी लीला को समझ पाते हैं। विदु माने समझना, ब्राह्मण ही इसे समझ पाते हैं। भक्तों ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। मात्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। यहां ब्राह्मण शब्द की व्याख्या है क्योंकि संसार में कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो रात दिन व्यसन करते हैं, तो क्या वो जान लिए भगवान को? ये कह रहे हैं कि रूपम ते ब्राह्मणा विदु, आपके बारे में ब्राह्मण ही जानते हैं। तो आजकल के ब्राह्मण तो रात दिन पाप कार्य में लगे होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ शास्त्र में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला नहीं, ब्राह्मण का भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब मैंने विधि बनाई है। गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश, ये अर्जुन ये चारों वर्ण और आश्रम मया सृष्ट मैंने बनाए, और मैंने किस आधार पर बनाए हैं? गुण कर्म विभागश नतु जन्म है? ये ब्राह्मण और क्षत्रिय किस पर आधारित होते हैं? अपने गुण और कर्म के ऊपर, जन्म के ऊपर नहीं। कोई क्षत्रिय है जन्म से ही शूद्र का कार्य कर रहा है तो वह क्षत्रिय नहीं है। इस संसार में कर्म से ब्राह्मण बना जाता है। अतः शास्त्र में ब्राह्मण शब्द की व्याख्या देते हुए कहते हैं जन्मना शूद्र जायते, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, परंतु जब उनका द्विजाति संस्कार किया जाता है यज्ञोपवित जनोई पहनाई जाती है तब उसे द्विज कहा जाता है। जन्मना शूद्र जायते संस्कारात द्विज उच्चते, और फिर जब वह वेद और शास्त्र का पठन पाठन करने लगता है तब उसे विप्र कहा जाता है। वेद पाठात भवेत विप्र, वेद और शास्त्र का पठन पाठन करने वाला विप्र माना जाता है, और वेद शास्त्र का पठन पाठन अध्ययन करने के बाद जब उस वेदों के प्रतिपाद्य विषय भगवान को समझने लगता है, भगवान को जानने लगता है, तब कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और इस संसार में भगवान के भक्त प्राय ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण है ते ब्राह्मण विदु, ब्राह्मण का अर्थ है जो निरंतर ब्रह्म में लगा रहे, ब्रह्म को जानकर निरंतर ब्रह्म की भक्ति करे, वो है ब्राह्मण। कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु आपके इस रूप को आपकी लीला को आपके पराक्रम को आपकी भक्ति करने वाला ब्राह्मण ही जान सकता है। क्या हो आपकी भक्ति करने वाला ब्राह्मण भक्त ही आपको जान सकता है। इस प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कहते हैं त्वम एक सर्वभूता नाम देहा स्वात्म इंद्रियेश्वर, त्वम एक सर्वभूता नाम, ये शब्द कॉन्स्टेंट रहेगा,
त्वम एक सर्वभूतानाम देह, आप ही संसार में सभी जीव के देह हो। त्वम एक सर्वभूतानाम स्व आत्मा, आप ही संसार के सभी जीवों के प्राण हो। त्वम एक सर्वभूतानाम ईश्वर, आप ही संसार में समस्त जीवों के इंद्रियों के स्वामी। आप ही सर्वभूतानाम देह, इस संसार में कल प्रश्न उठा था कि आखिर यह देह है किसका, यह शरीर किसका है। देह किम अनुभार्यायाम, ये शरीर पत्नी का है, पिता का है, पुत्र का है, स्वामी का है, किसका है। इसका उत्तर आज नल कुबेर और मणिग्रीव दे रहे हैं। त्वम एक सर्वभूतानाम देह, हे प्रभु इस संसार में सभी जीवों के आप ही देह हो। ये जो हमें पंच महाभूत का शरीर मिला है, ये शरीर भगवान ने दिया है। अतः हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जिस व्यक्ति ने हमें यह शरीर दिया है उनकी सेवा करें। तब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, यह शरीर तो हमारे माता पिता ने दिया है। यदि वास्तव में माता पिता के द्वारा ही यह शरीर मिलता तो इस संसार में कई ऐसे माता पिता हैं जो पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं परंतु नहीं होते हैं। यदि यह माता पिता के हाथ में ही होता तो कई माता पिता की इच्छा होती है हमें पुत्र का जन्म हो तो उसे पुत्री हो जाती है, पुत्री का जन्म हो तो पुत्र हो जाता है। या कुछ माता पिता को संतान होती नहीं है, या कुछ माता पिता को संतान की इच्छा नहीं होती है तो उसे पांच दंत संतान हो जाती है। आखिर ये माता पिता के हाथ में नहीं, यह देह देना भगवान के हाथ में, इसका तात्पर्य। त्वम एक सर्वभूतानाम देह, आप ही इस संसार में समस्त जीवों को देह प्रदान करने वाले हो। इसकी बृहद व्याख्या हो सकती है, भगवान ने इतना अमूल्य देह दिया जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, अमूल्य। ये आंख, ये हाथ, ये कान, अतः उस भगवान की भक्ति प्रणाम करना चाहिए। आगे कहते हैं तुम एक सर्वभूतानाम स्व आत्मा, आप ही संसार में सभी जीवों के प्राण हो। इस शरीर का प्राण है आत्मा, यदि आत्मा न हो तो यह शरीर काम नहीं करता है। और वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और इसीलिए जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो यह शरीर कुछ काम का नहीं रहता है। तो हे प्रभु, आत्मा को अस्तित्व करने वाले, आत्मा को जन्म देने वाले एकमात्र आप हो। और इतना ही नहीं, त्वम एक सर्वभूतानाम इंद्रिय ईश्वर, आप इस संसार के जीवों को इंद्रिय तो प्रदान करते ही हो, शरीर तो प्रदान करते हो, लेकिन शरीर देने के बाद शरीर चलाने वाले भी आप ही हो। ये शरीर मिल जाने से यह शरीर काम नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और कहा 84 लाख जीवों की रचना करो, डिजाइन करो। तो ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनि के जीव बना दिए, वृक्ष, पेड़, पौधे। परंतु ये सब कुछ बनने के बाद भी वह चलायमान नहीं हुआ, सजीव नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, प्रभु मैंने डिजाइन तो कर दिया, सब बना तो दिया, लेकिन सृष्टि चल नहीं रही है। तब भगवान ने उन सभी जीवों में आत्मा को फिट कर दिया। जब सभी जीवों में आत्मा फिट हो गई, फिर भी यह जीव चलायमान नहीं हुआ, फिर से ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, प्रभु शरीर में आत्मा आने के बाद भी यह चलायमान नहीं हो रहा है। तब उस समय भगवान शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में इस जगत के सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर गए। और जब परमात्मा संसार के सभी जीवों के हृदय में प्रवेश किए, परमात्मा ने आत्मा को शक्ति दी, तब आत्मा की शक्ति से यह शरीर चलायमान हुआ। अतः इस संसार में इंद्रियों को शक्ति देने वाले एकमात्र आप हो। इसलिए तो कहा जाता है ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। भगवान न चाहे तो ये हाथ उठाकर कुछ वस्तुओं पकड़ भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि इंद्रिय के स्वामी भगवान है। तब तुरंत मन में प्रश्न होता है, तो फिर ये आतंकवादी बॉम्ब फोड़ते हैं वो भी भगवान ही फोड़ाते हैं। कुछ लोग पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। यदि आप कहते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो किसी को 3 थप्पड़ मार दे और कहे कि भगवान की इच्छा के बिना है। इस बात को समझना होगा, ये बात सत्य है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नीचे जनरेटर है और जनरेटर से विद्युत यहां पर आ रही है और उस प्लग पॉइंट में वायर डालकर ये सब लाइट और सब मायक और सब चल रहा है। ये बात तो हमें मानना होगा ना कि जनरेटर की इच्छा के बिना यहां ये लाइट वाइट चल नहीं सकती है। ठीक उसी प्रकार भगवान परमात्मा हृदय में जनरेटर के रूप में बैठे हैं, उनकी शक्ति उनकी विद्युत के बिना हमारी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। परंतु जैसे जनरेटर से करंट यहां तक आ रहा है प्लग पॉइंट में, उस प्लग पॉइंट के द्वारा हम एयर कंडीशन भी शुरू कर सकते हैं और गर्म हीटर भी शुरू कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे पास है ना। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हमें शक्ति दे रहे हैं और शक्ति देते हुए परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, स्वतंत्रता दे दी, ताकि उस स्वतंत्रता से व्यक्ति संसार में कर्म कर सके और मुझे प्रेम कर सके। क्योंकि प्रेम बिना स्वतंत्रता से नहीं हो सकता है, जो जबरदस्ती हो उसे प्रेम नहीं कहा जाता है। जगत के जीव भगवान से प्रेम करे, अतः भगवान ने जगत के जीवों को स्वतंत्रता दी। परंतु हमने क्या किया, भगवान ने हमको शक्ति इसलिए दी ताकि हम भगवान से प्रेम करें, परंतु उस शक्ति का हमने दुरुपयोग करके संसार के लोगों को दुखी करने में लगा दिया। भगवान ने हमें बुद्धि दी ताकि भागवत समझ सके, वाणी दी ताकि भगवान का नाम ले सके, परंतु इसका उपयोग ही हमने गलत कर दिया। तो इस प्रकार से यद्यपि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, परंतु भगवान संसार के जीवों को स्वतंत्रता दी है। और स्वतंत्रता देने का कारण ताकि यह जीव भगवान से उन्मुक्त भाव से प्रेम कर सके। तो कहते हैं, हे प्रभु, त्वम एक सर्वभूतानां देह स्वात्मेन इंद्रियेश्वर। आगे कहते हैं, त्वम एक कालो भगवान। हे प्रभु, आप ही इस संसार में काल के रूप में प्रकट होते हो। त्वम एव, आप ही कालो भगवान। हे भगवंत, आप ही साक्षात काल हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन तो बेचारा पानी पानी हो गया। पहले तो अर्जुन ऑर्डर करता था, कृष्ण मेरा रथ चलाओ, ये करो वो करो, घोड़े को साफ कर दो, घोड़े को भोजन खिलाओ, और अर्जुन सोते रहते थे। कृष्ण सेवक बनकर काम करते थे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन को पता चला, मैं जिसको मेरा सखा मानता हूं, मैं रात दिन जिसे काम करवाया, मैं रात दिन जिसे तुकार करके बुलाया, जिससे मैं सेवा कराया, अरे ये तो साक्षात भगवान है। अर्जुन तो रोने लगा, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। सखेति मत्वा प्रसभम संयोक्तम, हे कृष्ण हे या दव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभम समीक्षम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण, अनजाने में मैंने आपसे क्या क्या नहीं करवाया, परंतु आप तो अद्भुत स्वरूप भगवान को उग्र रूप बताइए, आप इस स्वरूप में कौन हो। तब कृष्ण ने कहा, कालोस्मि क्षय लोकम कृतम प्रवुत्तम। ये अर्जुन, इस संसार में जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए मैं साक्षात काल के रूप में प्रकट होता हूं। भगवान ही साक्षात काल है, और जो लोग मेरा भजन करते हैं श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होकर, मैं उनको वैकुंठ लेकर चला जाता हूं।
काल है। तुम एव कालो अस्ति, हे प्रभु आप ही साक्षात काल हो। और ये काल क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा, ये काल भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। भगवान जब चाहे जिसको चाहे उसे मार सकते हैं। तुम एव काल हो और आप ही साक्षात भगवान हो। तुम एव विष्णुर, आप ही विष्णु सर्व जग पर व्याप्त हो। त्वम एव अव्यय ईश्वर, आप ही अव्यय हो, आपका कभी व्यय नहीं हो सकता है। आपके ज्ञान का, आपके रूप का, आपकी लीला का कभी भी व्यय नहीं हो सकता है। आपके धन का कभी व्यय नहीं हो सकता है। ये सब व्याख्या हो चुकी। भगवान पूर्ण है और उस पूर्ण से कुछ निकल भी जाए तब भी वो पूर्ण ही बने रहते हैं। अतः उसे अव्ययी कहा जाता है, जो कभी क्षीण नहीं होते हैं। तुम एव अव्यय, और हे प्रभु आप ही ईश्वर हो। तुम एव ईश्वर अस्ति, ईश्वर माने कंट्रोलर, स्वामी। आप ही अनंत अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत जीवों के स्वामी हो। आपकी इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है। जैसे बैलगाड़ी चलाने वाला बैलों के नाक में रस्सी डालकर वह रस्सी अपने हाथ में रखता है, जब चाहे तब उस बैल को चलाता है और रोक सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवान कर्म रूपी रस्सी से जगत के जीवों को बांध कर रखे हैं। जब चाहे तब इस जीवों को चलाते हैं और नचाते हैं। एकलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचा इते तेचे करे नृत्य। जैसे कठपुतलियों का खेल खिलाने वाले अपने हाथ में रस्सी बांधकर उस कठपुतली को ऊपर नीचे खिलाते रहते हैं, वैसे भगवान अपने इशारे से जगत के जीव को नचाते रहते हैं। अतः उस कृष्ण को ईश्वर कहा गया है। हे प्रभु आप ही एकमात्र ईश्वर हो। तब मानो भगवान इन दोनों से तर्क करने लगे, अरे हम जगत के रूप में कैसे हो सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि आप जगत के रूप में कन्वर्ट हुए हो, ये जगत तो प्रकृति से निर्माण हुआ है, जगत का कारण प्रकृति है। तब अगले श्लोक में नल कुबेर मणिग्रीव कहते हैं, त्वम महान प्रकृति सूक्ष्मान, हे प्रभु त्वम आप प्रकृति से भी महान हो। इस संसार में जब हम संसार के स्वरूप को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा चल रहा है। सूर्य को देखते हैं तो लगता है कि सूर्य प्रकृति के द्वारा चल रहा है, सूर्य चंद्र तारे। परंतु नल कुबेर मणिग्रीव कहते हैं कि इस प्रकृति के स्वामी यदि कोई है तो वह है आप। तुम महान प्रकृति, आप प्रकृति से भी महान हो, आप प्रकृति के स्वामी हो। आप ही सूर्य चंद्र तारे इत्यादि के कंट्रोलर हो, और आपकी शक्ति से ही ये प्रकृति शक्तिमान बनती है। तो हे प्रभु त्वम महान प्रकृति सूक्ष्मा रज सत्व तमोमयी, ये रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण वाली प्रकृति जो है आपकी दासी है, आपकी सेवक है। आप जो चाहते हो वही संसार में होता है। आपने महाभारत जयद्रथ के प्रसंग में सुना कि किस प्रकार जब जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारा, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ को कल शाम को सूर्य अस्त होते ही मार डालूंगा, अन्यथा मैं स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तब दूसरे दिन जयद्रथ कहीं जाकर छिप गया, वह रणभूमि में नहीं आया। और अर्जुन ने उस दिन जयद्रथ को बहुत ढूंढा कुरुक्षेत्र की भूमि में, जब वह नहीं मिला, संध्या का समय हो गया, तब अर्जुन स्वयं अपने गांडीर से अपने धनुष से अपनी आत्महत्या करने तैयार हो गए। उस समय जयद्रथ ने सोचा कि अब तो संध्या का समय हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन आत्महत्या करने जा रहा है तो दुश्मन की मौत अपनी आंखों से देखकर आनंद लेना चाहिए। जयद्रथ उस रणभूमि में आया
अर्जुन को आत्महत्या करते देख जयद्रथ बहुत हंसा। जब वे ठठाकर हंसने लगा उस समय आश्चर्यमयी घटना हुई। जो संध्या के 6-7 बज चुके थे, आश्चर्यमयी घटना हुई, वह सूर्यास्त हो चुका था। सूर्य फिर से पुनः आकाश में आया और पुनः दोपहर का समय हो गया। अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए, भगवान श्री कृष्ण के सामने देखे, प्रभु ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये मेरी शक्ति है। मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपस्ति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि सूर्य चरति मद भयात। अर्जुन मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरण, ये प्रकृति मेरे आंख के इशारे से काम करती है। ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ये सब मेरे आंखों के इशारे से चलते हैं। मैंने सूर्य को इशारा किया था, कुछ देर के लिए छिप गया, जयद्रथ तुम्हारे सामने है, और जयद्रथ आते ही मैंने इशारा किया, फिर से पुनः आ गया। अर्जुन संध्या का समय नहीं हुआ है, दोपहर के 2:30 बजे हैं, शत्रु तुम्हारे सामने है, गांडीर उठाओ और शत्रुओं का वध कर दो। इस प्रकार से भगवान ने दिखाया किस प्रकार से सूर्य चंद्र भगवान के वश में। अतः नल कुबेर मणिगुरु कहते हैं, तम महान प्रकृति सूक्ष्मा रज सत्व तमोमयी, आप इस प्रकृति के स्वामी हो। और इतना ही नहीं, त्वम एव पुरुषोध्यक्ष, आप इस संसार में समस्त जीवों के अध्यक्ष हो। अध्यक्ष माने अधिअक्ष, जो अपनी आंखों से एग्जामिनेशन करे, सबका ध्यान रखे। प्रभु आप ही संसार में समस्त जीवों के अध्यक्ष हो। भक्तों, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, चाहे हम जाने या न जान पाए, परंतु हम कहाँ कैसे और क्या भाव से क्या कार्य कर रहे हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष शब्द का अर्थ ये है, परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठकर भगवान देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, और सारे पाप का लेखा जोखा भगवान के पास है। और मृत्यु के बाद ये पापों का हिसाब भगवान हमको देंगे, ये लीजिए आपका अकाउंट। और उस समय बहुत अफसोस होगा। अतः इन श्लोकों को, इन स्तुति को समझकर कि भगवान सब जगह पर हैं, हमारे हृदय में अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं और सब नोट कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान जानते हैं। अतः अध्यक्ष है। और त्वम पुरुष, हे प्रभु आप परम पुरुष हो। फिर से पुरुष कहा, इस संसार में ये प्रकृति के स्वामी आप हो और आप परम पुरुष हो, परम स्वामी हो, सर्व क्षेत्र विकारवित। आप इस संसार में समस्त क्षेत्र पर रहते तो हो, परंतु उस क्षेत्र का विकार आपके ऊपर नहीं होता है। जैसे कि हम लोग इस हरिद्वार क्षेत्र में आए, तो जो लोग मुंबई से आए उसे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही होगी, अतः कुछ लोग बीमार हो गए मेरी तरह है। किसी का शरीर खराब हो गया होगा, विकार आ गया क्षेत्र बदलने से। परंतु भगवान किसी भी क्षेत्र में चले जाए उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्षेत्र बदलने से परिवर्तन आता है, परंतु भगवान किसी भी क्षेत्र में चले जाए कोई परिवर्तन नहीं। ये तो हुई पृथ्वी वाले क्षेत्र की, साथ ही साथ गीता में भगवान शरीर को भी क्षेत्र कहते हैं। भगवान किसी भी शरीर में चले जाए फिर भी भगवान का कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान चाहे मनुष्य के देह में रहे, पशुओं के देह में रहे, या पक्षी के देह में रहे, भगवान तो आखिर भगवान ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान मनुष्य के देह में है, परमात्मा के रूप में तो थोड़े बड़े हैं, और पशुओं के देह में चले गए तो उनकी महिमा घट गई, नहीं। सर्व क्षेत्र विकारवित, किसी भी क्षेत्र में चले जाए उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है। इस प्रकार नल कुबेर और मणिग्रह आगे कहते हैं, गुह्य माणे तो त्वमग्राह्यो विकारे प्रकृते गुणे, हे प्रभु आप इस जगत में अंदर भी हो, बाहर भी हो, सब जगह पर हो, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हो,
तब मानो भगवान कहे कि जब मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, सब जगह पर हूं, सब स्थानों पर हूं, तो फिर सब लोग मुझे जानने चाहिए, सब लोगों के द्वारा मैं दर्शन में दिखने में आना चाहिए। तब कहते हैं गुह्य माणे तुम अग्राह्यो। गुह्य माणे अर्थात इस संसार में संसार के लोगों के साधारण मन बुद्धि अहंकार के द्वारा आप ग्राह्य नहीं हो। प्राकृत इंद्रियों के द्वारा आप किसी को समझ में नहीं आते हो, अतः आप संसार के लोगों के बीच में और जीवों के हृदय में रहते हुए भी ये संसार का जीव आपको पहचान नहीं पाता है। हाँ, यदि वह किसी भक्त की शरण में जाए, भागवत की शरण में जाए, तो भागवत की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से हृदय में रहने वाले परमात्मा को वो पहचान सकता है, देख सकता है। अरे देख क्या सही है, देखने की बात तो दूर रही, उनके साथ बात भी कर सकता है। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवान आध्यात्मिक हैं और उस आध्यात्मिक भगवान को हम भौतिक जीव देख नहीं सकते हैं, परंतु यदि भक्ति की जाए तो भक्ति के द्वारा भगवान को देख सकते हैं, भगवान के साथ बात भी कर सकते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे तुम उनको खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कौन कहते हैं कि भगवान बात नहीं करते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं। भगवान बात भी करते हैं, खाते भी हैं, दर्शन भी देते हैं, परंतु यह करने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के द्वारा भगवान ग्राह्य है। विकारे प्रकृते गुणे कौन विहार हरति विज्ञातुम प्राक सिद्धम गुण संवृतः। इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, भगवान को जानने में धोखा खा जाता है। अन्य अन्य साधनों से, अन्य तपस्याओं से यदि भगवान को जानने का प्रयास करे तो वह असंभव है। भगवान को मात्र भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मुझे जानना बहुत मुश्किल है, ना हम प्रकाश सर्वस्य, सब लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करे तो भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। आगे कहते हैं तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे, आत्मद्योत गुणे छन्न महिमने ब्रह्मणे नमः। हे प्रभु, अतः आप इतने महिमावान हो, अतः तुभ्यं आपको मैं हम प्रणाम करते हैं, नमः। हे भगवान, आप साक्षात भगवान हो, षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में जन्म लिए हो, ऐसे वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं। आत्मद्योत गुणे छन्न महिमने ब्रह्मणे नमः। आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। आपके द्वारा इस संसार के जो गुण प्रकाशित हुए हैं, सत्व रजस तमस, इस सत्व रजस तमस गुणों के द्वारा ही आप छिपे हुए हो। बहुत गुह्य बातें हैं। ऐसे महिमा वाले हे प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। यस्य अवतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु शरीरिणः। इस संसार में आप समस्त शरीर में विद्यमान हो और आप सभी शरीरों में रहकर सभी शरीर देहधारी जीवों से बढ़कर हो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि आप संसार के जीवों के हृदय में रहकर
उस संसार के जीव की तरह नहीं हो जाते हो, भले सभी जीव के हृदय में रहते हो, परंतु अतुल्य देहिशु असंगते। भगवान कुत्ते में भी हैं, बिल्ली में भी हैं, परंतु कुत्ते बिल्ली जैसे जीवों में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, असंगते। अतः आप निर्विकार हो, निर्विशेष निर्विकार हो, आप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। सब भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च। हे प्रभु, आप ही इस संसार में रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करने वाले हो, आप ही संसार में सभी जीवों के वैभव विभाव माने धन ऐश्वर्य संपत्ति के कारण हो। इस संसार में जिन जिन लोगों के पास जो जो वस्तु प्राप्त हुई है, आप ही की कृपा से प्राप्त हुई है। अवतीर्णो यंश भागेन सांप्रतम परिराशिशाम। और कभी कभी इस संसार में रहने वाले जीवों का उद्धार करने के लिए आप अपने अंश से अपने अवतार के रूप में जन्म लेते हो। यहां पर यह बात प्रकट हो रही है, अवतीर्णो अंश भागेन। नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि आप अपने अंश के अंश से इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हो। इसका अर्थ है कि नल कुबेर मणिग्रीव के सामने जो भगवान खड़े हैं, वे सभी अंशियों के अंश हैं, सभी अंश के अंशी हैं, सभी अवतारों के अवतारी हैं, सर्व कारण के कारण हैं, वे साक्षात स्वयं भगवान हैं। और इसी भगवान श्री कृष्ण से भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है, और भगवान शिरोधक्षायी विष्णु से अनेकों अवतार प्रकट होते हैं, परंतु ये सभी अवतारों के अंशी एकमात्र कृष्ण है। सांप्रतम परिराशिशम, यहां पर इस संसार में सबकी रक्षा करने के लिए आप अनेकों अनेकों अवतार धारण करते हो। और इस संसार में रहने वाला व्यक्ति यदि आपकी भक्ति करने लगता है, तो वह व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अतः नमः परम कल्याण। हे कल्याण प्रदान करने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। नमः परम मंगल। हे मंगल प्रदान करने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। एक ही श्लोक में दो बातें समान जैसी लग रही हैं। नमः परम कल्याण, कल्याण करने वाले को प्रणाम और मंगल करने वाले को प्रणाम। तो प्रश्न हो सकता है, ये कल्याण और मंगल में क्या अंतर है? आपका कल्याण हो या कह दिया जाए आपका मंगल हो, इसमें क्या अंतर क्या है? कल्याण का अर्थ होता है इस जीवन में सुख प्राप्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण इस जीवन में अपने भक्तों को पूर्ण रूप से सुखी कर सकते हैं, अतः उसे नमः परम कल्याण कहा गया। कल्याण का अर्थ होता है कि वर्तमान जीवन जो हमें मिला है उसमें सुखी हो जाना। परंतु मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में भी सुखी हो जाना और इसका अंत भी सुख में हो जाना। जैसे कि हम लोग यात्रा करते हैं, जैसे यात्रा में हम मुंबई से यहाँ हरिद्वार आए, तो जैसे ही मुंबई से ट्रेन में बैठते हैं तो अनाउंसमेंट होता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगल शब्द का अर्थ क्या होता है? ये मंगल शब्द मंगी धातु से बना है, और ये मंगी धातु जो है यात्रा के अर्थ में है। जब ये अनाउंसमेंट होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इसमें दो चीजें हैं कि आप बोरीवली से हरिद्वार जा रहे हो, तो बोरीवली से हरिद्वार का जो रूट है उसमें आपको सुख मिले, और इसी के साथ साथ हरिद्वार आप समय से पहुंच जाओ। बोरीवली से हरिद्वार तक उस रास्ते में कोई कष्ट न हो और टाइम टू टाइम हरिद्वार स्टेशन पर हम पहुंच जाए, तब माना जाता है कि हमारी यात्रा मंगलमय हो गई। ठीक उसी प्रकार यह शरीर यात्रा में है,
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा भी, हम सब लोग यात्रा में हैं, और हम जिस यात्रा में निकले हैं ना, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता, 84 लाख इसमें स्टेशन है, परंतु हमारे जीवन की यात्रा मंगल में कैसे मानी जाएगी? जब इस वर्तमान जीवन में भी हमें सुख मिल जाए और मृत्यु के बाद हम परम पद भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए, तब हमारे जीवन की यात्रा मंगलमय मानी जाती है। तो यदि हम वर्तमान में सुखी होना चाहते हैं और मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मंगल प्रदान करने वाले उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अतः कहते हैं नमः परम, नमः परम मंगल। इस संसार में मंगल देने वाले, वर्तमान में और भविष्य में और मृत्यु के बाद सुख देने वाले एकमात्र भगवान यदि कोई है तो है भगवान कृष्ण। रामायण में शिवजी राम कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण में ही कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे कृष्ण, आप मंगल देने वाले हो, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यही बात भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठकर अपनी पत्नी पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, आइए भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल के निदान, हे मंगल को प्रदान करने वाले दशरथ के पुत्र राम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। द्रवोषु दशरथ अजीर बिहारी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, द्रवित हो जाइए। उसी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं नमः परम मंगल, हे प्रभु आप परम मंगल देने वाले हो। वासुदेवाय शांताय, आप वसुदेव नंदन हो, आप परम शांत हो। यदुनाम पतये नमः, आप यदुवंश में रहने वाले सबके स्वामी हो। अनुजानी ही नो भूमन तवानु चर किंकरो, दर्शनम नो भागवत ऋषे रासिद अनुग्रहात। हे प्रभु अनुजानी ही, हम हमारा परिचय यदि आपको दें तो तव अनुचर किं करो। हे प्रभु हम आपके दास के भी दास हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनुजानी आप हमें जानिए, हम कौन है? नो हम लोग, हम दोनों भूमन आपके तव अनुचर किं करो, आपके दास के दास है। अच्छा आपके दास कौन है? बोले शिव जी।
शिव जी आपके दास है ना, हम उस शिव जी के ही अनुचर है। अथवा इसका दूसरा अर्थ यह है कि आपके दास कौन है? नादर नारद जी। प्रभु हम उस नारद जी के ही किंकर है, या आपके दास कुबेर जी, उस कुबेर जी के ही हम सेवक हैं। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके दास के दास होने के कारण दर्शनम नो भगवत, आपने हमें दर्शन दिया। बहुत सुंदर शास्त्र का सिद्धांत। आज हम कथा के अंतिम चरण में है। जिस प्रकार नल कुबेर मणिग्रीव ने भगवान का दर्शन किया, उस प्रकार दर्शन नो भगवत, उस भगवान का यदि हम दर्शन करना चाहे तो हमें क्या करना होगा? तव अनुचर किंकरो, उस भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास बनना होगा। ये खुद बता रहे हैं, क्योंकि हम आपके दास शिव जी के दास हैं, या आपके दास कुबेर जी के दास हैं, या आपके दास नारद जी के दास हैं, अतः आज आपने हमें दर्शन दिया। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में जब आए, तब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, आप कौन हो? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना हम सुरपति, न तो मैं राजा हूं, ना हम वर्णी, न तो मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, न तो मैं सन्यासी हूं, न गृहस्थी हूं, तो भाई आप कौन हो? तब चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में कहते हैं, गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासान दास। मैं गोपियों के भरतार, गोपियों के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से बताया कि हमें हमारी स्थिति कहां पर रखनी चाहिए। कुछ लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, परंतु अपने आप को कृष्ण के बाजू में रखते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं। राधा रानी को भी बाजू में कर देते हैं, सीधे कृष्ण के बाजू में। कभी कभी कृष्ण के बाजू में फोटो भी खिंचा लेते हैं। गलत, ये गौड़ीय परंपरा का भाव नहीं है। गौड़ीय परंपरा क्या है? नल कुबेर और मणिगिरि जो बोल रहे हैं, तव है? तवानुचर किंग करो, हम आपके दासों के दासों का दास है। गौड़ीय परंपरा में हम जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा स्थान कहां पर है, ये हम सबको जान लेना चाहिए। हमारे आचार्य गण माधुर्य भाव के उपासक थे, रूप सनातन इत्यादि, निरंतर भगवान की शुद्ध भक्ति माधुर्य भाव में मग्न रहते थे, और ये अपने आप को भगवान के किंकर समझते थे। हम कौन हैं? भगवान की लीला में हमें कौन से स्थान में प्रवेश करना है? हमारी उपासना क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाली श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की सेवा करने वाली अन्य गोपियां अष्ट सखी। कृष्ण की सेवा राधा करती हैं, राधा की सेवा गोपियां करती हैं, और गोपियों की सेवा करने वाली सखियां हैं, और सखियों की सेवा करने वाली किंकरी है। वन से फूल आदि लेकर वह किंकरी फूल लेकर आती हैं, सखियों को देती हैं, वह सखिया उस फूल को लेकर गोपियों को देती हैं, गोपिया उस फूल को राधा रानी को देती हैं, फिर राधा उस फूल से कृष्ण की सेवा करती है। हमारा स्थान कहाँ है? गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानु दास है? राधा के स्थान पर नहीं, राधा के दास दासियां हैं गोपी, गोपी के स्थान में भी नहीं, गोपी की दासी है सखी, और सखी की जगह पर भी नहीं, सखियों की सेवा करने वाली जो किंकरी है वहां हमारा स्थान है। अतः एक भक्त इस भाव को हृदय में रखते हुए भगवान की उपासना करता है।
और इस भाव को पुष्ट करने के लिए वर्तमान में हमें क्या करना होगा? हमें भक्तों के दासों का दास मानना होगा अपने आप को। परंतु यहां तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। हम लोग भक्तों के स्वामी के स्वामी के स्वामी अपने आप को मानते हैं, हम इसके स्वामी हैं। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब अनुचर किं करो कि हे प्रभु हम आपके दासों के दासों के दास हैं, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अतः अनुजानी ही नो भूमन तव अनुचर किं करो दर्शनो भगवत ऋषे आसीद अनुग्रहात। उस ऋषि मुनि की कृपा से हमें कृपा प्राप्त हुई और आपका दर्शन हुआ, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तब ये नल कुबेर और मणिग्रह कहते हैं प्रभु बस आप अपने साथ में हमें रखिए, हमें तो अफसोस हो रहा है कि ये वृक्ष के शरीर से निकलकर ये देवता बन गए आ गए, अब तो हम चलकर कहाँ जाएंगे, उससे तो अच्छा था हम आपके सानिध्य में पड़े रहते, आपकी लीला को देखते रहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नल कुबेर मणिग्रह आपने 9 श्लोक में स्तुति कर ली और आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? नल कुबेर और मणिग्रह ने कहा प्रभु आप हमें मत छोड़िए, आप हमको छोड़कर मत जाइए, बस हमें यही चाहिए। जब जब भक्तों ने भगवान से मांगा है तो यही मांगा है, हे प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गोकुल से मथुरा चले गए और कृष्ण वादा करके गए थे कि मैं तुरंत आ जाऊंगा। गोपिया अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने आए तब सारी गोपियां रास्ते में सो गई, हम नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से हमारे साथ 11.5 वर्ष तक आपने लीला की और हमारा तन मन सब कुछ आपको दे दिया, अब आप हमें छोड़कर चले जाओगे, हम नहीं जाने देंगे कृष्ण, हम नहीं जाने देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को कहा कि बस मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा। गोपियों को वादा करके कृष्ण गए, गए तो गए फिर वापस मुड़कर गोकुल की ओर नहीं देखे। कृष्ण के विरह में सारी गोपियां दुखी होकर रहती थी। जिस दिन से कृष्ण चले गए थे उस दिन से गोकुल में एक करुण वातावरण छा गया था कृष्ण के विरह में। अरे कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, कृष्ण की कथा आज समाप्त होने जा रही तो हमारे हृदय में कितना दुख हो रहा है, कब ये समाप्त हो जाएगी अब कथा कीर्तन। साक्षात भगवान कृष्ण जिसके बीच में विराजमान हो, जिसके साथ बात कर रहे हो, लीला कर रहे हो, और जिसने कृष्ण को देखा है, परखा है, जिसके अंग का संग किया है, वो कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण गए, वापस नहीं आए, सारी गोपियां रात दिन रोती रहती थी। तब कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी को भेजा, जाओ उद्धव जाकर गोपियों को मना कराओ, जाकर गोपियों को मनाओ, क्योंकि वो मेरे विरह में दुखी हैं। उद्धव जी ही ज्ञान की बोरी लेकर मथुरा से गोकुल में आए और गोकुल में आकर गोपियों के हाव भाव को, गोपियों को स्थिति, गोपियों की स्थिति को देखकर उद्धव जी पिघल गए। उद्धव जी ने तत्व ज्ञान दिया, हे गोपियों दुखी क्यों हो रही हो? आप लोग जिस कृष्ण के विरह में रो रही हो वह कृष्ण तो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में बैठे हैं, आप रो क्यों रहे हो? तब गोपियों ने इतना ही कहा, उद्धव उद्धव ये तुम्हारा ज्ञान हमारे दिमाग में फिट नहीं हो रहा है। कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीपे ब्रज में तिहारी कला ने को ही खटे नहीं रचना हमारी चारू चातक की बनी है उद्धव पीपी की बिहाई अब रटे ही रटे नहीं। अब हम उद्धव तुम ये जो ज्ञान की बोरी लेकर आए हो किसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर इसे फेंक दो,
क्योंकि ये ज्ञान हमारे मन में टिकने वाला नहीं है। उद्धव क्या करे, सूरदास जी ने लिखा है, उद्धव मन न भये दस बीस। हम परवश हैं, लाचार हैं कि हमारे पास एक ही मन है और वह एक मन हम श्याम सुंदर को दे चुकी है। यदि 10-15 मन होता तो आपकी बात हमारे मन में टिक जाती। उद्धव बस हमारी जीवात तो एक चातक पक्षी की तरह, जैसे चातक स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले बादल से बादल से गिरने वाली बूंद को ही ग्रहण करता है, वैसे हम कृष्ण को चाहती हैं। कृष्ण नहीं मिलेंगे तो हम हमारे प्राण को त्याग देंगे। उद्धव जी ने बहुत ज्ञान दिया और सारा ज्ञान दे दिए तब गोपियों ने उद्धव को इतना ही कहा, उद्धव तुम जा रहे हो ना,